Hey guys, welcome back to the channel. So today I'm sharing my 4-year-old daughter's breakfast to dinner. Breakfast जो कि 8 बजे होता है उसमें मैं बना रही हूँ बनाना चॉकलेट पैनकेक एंड शी लव पैनकेक. सो राइस फ्लावर लिया है, चावल का आटा, थोड़ा सा मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है चॉकलेट फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए. तो बच्चों को चॉकलेट बहुत ही पसंद होती है, चॉकलेट फ्लेवर पसंद होता है, तो उसके लिए मैंने ये ऐड किया है. और साथ में बिल्कुल पका हुआ, जो बिल्कुल ख़राब जैसा लगता है वैसा बनाना लिया है. इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा स्वीटनेस होती है और इसके लिए हमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती पैनकेक में. और थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रही हूँ स्लोली स्लोली और पेस्ट बना लेना है. चाहे तो आप मिक्सर ग्राइंडर में टोटल सब कुछ इकट्ठा ऐड करके पेस्ट बना सकते हैं, बट इट्स ईजी टू डू दिस वे एज़ वेल. तो ये ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. और मैंने ये कास्ट आयन तवा लिया है और उस पर ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ और छोटे छोटे पैनकेक बना रही हूँ. थोड़े से चोको चिप्स ऐड कर दूँगी क्योंकि बच्चों को चोको चिप्स पसंद होते हैं. और ये हमारे जो पैनकेक्स हैं रेडी हैं और हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं और बच्चे इंजॉय भी करते हैं. सो दिस इज़ हर ब्रेकफास्ट टुडे. और ये पैनकेक सर्व कर रही हूँ विद ब्लूबेरीज और थोड़ा सा मैंने हनी ऐड करा है क्योंकि हनी के साथ एक एक्स्ट्रा टेस्ट आ जाता है. और मैपल सिरप ऐड कर सकती हो. और शी लव्स दीज पैनकेक्स. नाउ बहुत लोग पूछते हैं कि क्या आपका बच्चा पूरा खाना फिनिश करता है. सो आंसर इज़ नो. जस्ट लाइक एनी अदर किड, कई बार बच्चे पूरा खा लेते हैं, कई बार बच्चे 50% खाते हैं. तो इट डिपेंड्स. तो जस्ट लाइक टुडे शी फिनिश्ड अराउंड 80%. तो बच्चे का हर एक दिन होता है, किसी दिन बच्चा इंजॉय करता है, किसी दिन ना उसको नहीं पसंद आता है. सो इट वेरीज. नाउ मॉर्निंग स्नैक इज़ फ्रूट्स मोस्ट ऑफ़ द टाइम. तो अभी वो घर पे है, हॉलीडेज उसकी न्यू ईयर हॉलीडेज चल रही हैं तो वो घर पे ही है. तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उसका डाइट चार्ट शेयर कर रही हूँ थ्रू आउट द डे. तो वो मैंगो और ग्रेप्स उसका ये मॉर्निंग स्नैक है. और यूजली वी डोंट ब्रिंग मैंगोज बिकॉज बहुत अच्छे यहाँ पे मैंगो नहीं मिलते इंडिया जैसे, बट शी वॉन्टेड मैंगो तो मैं मैंगो ले आई थी उसी के लिए. एंड शी इज़ इंजॉइंग मैंगोज एंड ग्रेप्स. सो आज के लंच में मैं उसको दे रही हूँ मूंग दाल सूप, जिसके लिए मैंने दाल को भिगो के रखा था मूंग दाल को. और साथ में मैं उसको जस्ट बॉयल जैसे दाल करते वैसे ही करूँगी, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फैंसी नहीं बना रही हूँ. करी पत्ता, जीरा, मस्टर्ड सीड और हींग के साथ मैं उसको बॉयल कर लूँगी, कोई मसाला नहीं ऐड करूँगी. और सब्जी में मैं बना रही हूँ बीन्स और आलू की सब्जी. तो आलू बच्चे पसंद करते हैं और साथ में बीन्स भी अगर आप अच्छे से बनाओ तो बच्चे खा लेते हैं. तो उसको मैंने स्टार्टिंग से हर सब्जी की आदत डाली है तो वो खाती है. और आई एम चॉपिंग और वो भी यहाँ पे मेरे साथ हेल्प कर रही है. सो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप उससे पूछोगे कि व्हाट्स योर फेवरेट फूड, शील से दाल राइस या प्लेन राइस, मतलब उसको इंडियन फूड बहुत ही पसंद है. और उसको सैलेड बहुत ही पसंद है, कैरेट, ककुम्बर, ब्रोकली उसको बहुत पसंद है. तो मैं हमेशा उसकी दाल में घी ऐड करती हूँ, बच्चों के लिए घी बहुत ही अच्छा होता है. तो रोटी, थोड़ा सा दही और थोड़ी सी सब्जी, ये उसका लंच है.
नाउ इस लंच में से अगर पूछोगे कि उसने क्या नहीं खाया था, तो आई वुड से कि उसने थोड़ी सी बीन्स की सब्जी छोड़ी थी, उसके अलावा उसने सब खाना फिनिश करा है। सो देन शी वेंट टू स्विमिंग, और आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्विमिंग शी वॉन्टेड सम इवनिंग स्नैक, और उसमें मैंने बॉयल्ड एग और थोड़ा सा दूध दिया। सो वेन एवर यू गिव मिल्क एंड एग टुगेदर, मेक श्योर कि जो अंडा है, एग है, वो अच्छी तरह कुक्ड हो, और जो मिल्क है उसमें मैंने थोड़ा सा नटमेग पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये ऐड किया है। और आप उसमें शुगर वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो, और इसको बॉयल करके पका लेना है। और ये मिल्क और बॉयल्ड एग और थोड़े से रेजिन्स ऐड कर रही हूँ साथ में, तो रेजिन्स उसको बहुत पसंद है, तो 2-3 दे रही हूँ क्योंकि उसको पसंद है। तो ये उसका इवनिंग स्नैक है, बट उसको ये मैंने दिया, उसको साथ में पा लीजिए, बिस्किट भी खाना था डिप करके मिल्क में, तो उसने एक बिस्किट भी खाया और मिल्क उसने थोड़ा सा छोड़ा था, बाकी उसने सब फिनिश किया है क्योंकि स्विमिंग के बाद बच्चों को भूख काफ़ी लगती है। नाउ डिनर जो कि अराउंड 7:30 होता है, उसमें आज मैं बना रही हूँ पास्ता, और जो पास्ता तो उसके लिए ये मैंने पास्ता लिया है, उसको बॉयल किया है विद सॉल्ट एंड ऑलिव ऑयल, एंड देन पास्ता के लिए मैं काफ़ी सारे वेजिटेबल यूज़ करने वाली हूँ, जिसमें ब्रोकली है, कॉर्न, मशरूम, कैरेट, ये सब मैं ऐड करूँगी, और काफ़ी सारी चीज़ ऐड करके सब बेक कर लेना है। सो सारी वेजिटेबल्स मैंने सौते कर दी है, और उसके बाद मैंने टमाटो प्यूरे ऐड करा है ऑल्सो, इसको मिक्स कर लेना है, देन बॉयल्ड पास्ता जो था वो इसमें मिक्स करना है, और मिक्स करके सॉल्ट पेपर जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये पास्ता मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और राइस की तरह भी लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है ये। एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल पार्मेसन चीज़, और चीज़ जो है इट्स नॉट बैड एक्चुअली, अगर आप सही चीज़ चूज़ करो तो, फ्रेश चीज़ चूज़ करो, इट्स सो गुड फॉर योर हेल्थ, बोन्स के लिए अच्छा है, कैल्शियम का सोर्स है, तो थोड़ा सा कभी कभी अगर आप खाओगे तो अच्छा है आपके लिए। और मैं बेक कर रही हूँ 350 डिग्री पे फॉर 5-10 मिनट, जस्ट कि चीज़ मेल्ट हो जाए और चीज़ी थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा, चीज़ी इफेक्ट मिलेगा। तो ये पास्ता रेडी है और ये उसका डिनर है, तो 7:30 तक वो डिनर कर लेती है, एंड दिस इज़ व्हाट शी ईट्स थ्रू आउट द डे फ्रॉम मॉर्निंग टू डिनर टाइम। एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून, टिल देन स्टे हैप्पी एंड ब्यूटीफुल, टेक केयर, बाय बाय।